गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओट्स और रवे से बनने वाली इंस्टेंट इडली और उसके साथ खाने वाली ये मूंगफली की चटनी। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप एक खाली बाउल ले लें और उसमें डाल दें आधा कप रवा और इसके साथ आप डाल दें एक कप ओट्स। याद रखिएगा, ओट्स यहाँ आप सादा ही लीजिएगा, कोई फ्लेवर वाला ओट्स यहाँ यूज मत करिएगा। और इसके साथ डाल दें आप एक कप दही। दही यहाँ आप गाढ़ा यूज करिएगा, पानी वाला दही यहाँ मत यूज करिएगा। तो जितना आपने ओट्स लिया है उतना ही आप दही लीजिएगा और इसे अब अच्छे से आप मिक्स कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसे अब हम 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि जो रवा है और ओट्स है वो अच्छे से दही एब्जॉर्ब कर ले। तो 30 मिनट के बाद इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें मिला लें अपने स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ सके और 1/2 कटोरी किसा हुआ गाजर। तो इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि नमक, गाजर और हल्दी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसमें डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो पानी मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि गाजर में भी थोड़ा पानी होता है। तो यहाँ पानी आप धीरे धीरे करके ही डालिएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। तो नॉर्मली इडली का जैसा बैटर होता है हमें उतने ही कंसिस्टेंसी तक इसमें पानी मिलाना है। आप इसमें बहुत ज्यादा पानी मत मिला लीजिएगा नहीं तो इडली का शेप इसमें अच्छे से नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी मिला रही हूँ और इसे मिक्स करते जा रही हूँ ताकि इसमें लम्स भी मत रहे। तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको इडली खाने का मन तो है पर आपके पास उसका बैटर ही नहीं है या फिर घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो ये इडली बनाने में इजी भी है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो इसमें कुछ और भी फ्लेवर्स हम ऐड करेंगे तो आगे आगे आप वीडियो में देखते जाएं। इसमें आप मिला दें बारीक कटा हुआ 1/4 कप धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से ओट्स का जो बेसिक फ्लेवर होता है जो मुझे खाने में नहीं पसंद है वो इसे ओवरकम करेगा, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। और इसमें हम लगाएंगे अभी तड़का। जी हाँ, तो तड़के के लिए आप तड़के वाला चम्मच ले लें या छोटी सी कढ़ाई ले लें, उसे मीडियम फ्लेम में रखें और इसमें डाल दें 3 चम्मच तेल। और तेल जब गर्म हो जाए उसमें आप डाल दें 1/2 चम्मच सरसों, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक का टेस्ट इडली में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप ये जरूर डालिएगा। उसके बाद आप डाल दें 1 से 2 लंबाई में कटा हुआ हरी मिर्च। तो अदरक और मिर्च को थोड़ा सा आप फ्राई होने दें और उसके बाद आप उसमें डाल दें 5 से 6 कड़ी पत्ते। गैस आप बंद करिए और उसमें डाल दें आप 2 चुटकी हींग के। तो बिना हींग के तो कोई भी तड़का अधूरा ही होता है तो इस तड़के को आप डाल दें इडली बैटर में। तो इस रेसिपी में इडली बनने के पहले ही बैटर को तड़का दिया जाता है तो आप इसे अच्छे से कर लें मिक्स ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो अच्छे से बैटर में आ जाए। और इडली को अच्छा स्पॉन्जी बनाने के लिए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा या आपके पास जो भी खाने वाला सोडा हो वो आप इसमें डाल दीजिए, चाहे तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं और बस इसे जल्दी से मिक्स कर लीजिए। तो इडली बनाने का आप बर्तन लीजिएगा, उसमें पहले आप तेल लगा लीजिएगा ताकि जो इडली है वो बर्तन से चिपके नहीं और उसके बाद चम्मच से आप कुछ इस तरीके से बैटर डाल दीजिएगा। तो यहाँ इडली का पूरा 3 प्लेट मैंने रेडी करके रखा है और इसे अब हम स्टीम में मतलब भाप में करीबन 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो जब तक इडली पक रही है हम इसके साथ खाने वाली चटनी बनाते हैं जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो पैन को रखिए आप मीडियम फ्लेम में और उसमें आप डाल दीजिए 3 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरे का और जीरा जब अच्छे से पॉपअप मतलब चटकने लगे उसमें आप डाल दीजिए 2 से 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 से 2 हरी मिर्च। आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ ज्यादा भी मिर्च डाल सकते हैं। तो लहसुन और मिर्च को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कप मूंगफली। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहे ताकि ये कहीं से चले ना। तो मूंगफली को हमें थोड़ा सा तेल के साथ रोस्ट करना है ताकि चटनी में इसका कच्चा स्वाद ना आए। तो जब मूंगफली का छिलका इसमें से कुछ इस तरीके से अलग होने लग जाए आप इसे डालिए मिक्सर बाउल में
और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दें। आप इसे गर्मा गर्म बिल्कुल भी मत पीसिएगा। तो पीसने के बाद इसका एक दरदरा सा पेस्ट बन चुका है। इसमें आप डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक और तकरीबन 1/4 कप पानी। तो पानी मिलाने के बाद हमें इसे मिक्सर में एक बार और पीसना है। तो एक बहुत ही अच्छा स्मूथ चटनी बन चुकी है, पर इस चटनी में हम लगाएंगे तड़का ताकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छे से आए। तो तड़के से फूड का जो फ्लेवर है वो बहुत ही इनहेंस होता है। तो सेम तड़के वाले चम्मच में मैंने डाला है 3 चम्मच तेल। आप चाहे तो यहाँ कम तेल भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच सरसों, 2 चुटकी हींग के, और कड़ी पत्ता डालने के पहले आप गैस या स्टोव बंद कर लें और उसमें फिर डाल दें कड़ी पत्ता। जो भी मेरे व्यूवर्स इंडिया से बाहर ये रेसिपी देख रहे हैं उन्हें पता है कि कड़ी पत्ता कितने मुश्किल से मिलता है। तो आप यहाँ ये जो तड़का है उसे डाल दें चटनी में। इडली जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो स्टीमर से निकाल के 5 मिनट आप उसे ठंडा कर लें और उसके बाद आप उसमें से इडली निकालें। तो स्टीमर से निकाल के मैंने इसे 5 मिनट ठंडा किया है और इस तरीके से मैंने इसे चम्मच से निकाल लिया है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है। तो आपको ये इडली और चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।